चीज का रुमाल गैस देखिए कैसे हम लोगों ने झाड़ू ऐसे रखा हुआ है, हमारा देसी जुगाड़ यानी तो आदमी का गोबर तो शर्म नहीं लगता है। हे भगवान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप लोगों को वेलकम है मेरे इस कामी परिवार चैनल में। पीछे का रीजन देखिए ना, ये मेरा झाड़ू का हालत, ये झाड़ू है ना जबड़ा है या किसी का स्केलेटन का फ्रेम है पता ही नहीं चल रहा है ये क्या है। शौकीन है इसलिए मारना, इससे तो पर बैन हो के बाद मेरा कमर दुख गया दोस्तों। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास नया झाड़ू आ जाए। आईडिया। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए आज हम लोग कहाँ पे आए, हम लोग आए आज झाड़ू काटने के लिए। देखिए ये है हमारा लोकल झाड़ू जो कि ऐसे झाड़ू मारने में काम आता है। तो वैसे आप लोगों ने देखा है मेरा घर का झाड़ू का हालत कैसा हो गया था। तो आज हम लोग देखिए झाड़ू काटने के लिए आए, हम लोग बहुत दूर जंगल में आए। तो देखिए अभी भाई आया हम काट रहे हैं, हम लोग घर से दाव भी लेके आए थे। तो आइए थोड़ा काट लेके जमा करेंगे अभी दोस्तों। ये कच्चा आप लोगों ने शायद पहली बार देखा होगा। तो ये हमारे यहाँ पे जंगल पे मिलता है, लेकिन इसको पूरा सूखा कैसा मुट्ठी बना के झाड़ू बनाते हैं। आयान पूरा कैसे काट रहा है, देखिए झाड़ू पूरा बिजी है काटने में, पूरा मर्द का काम कर रहा है आयान। कुछ बोल दो भाई। ये देखिए आयान पूरा मेन रोड में, इसका तो थोड़ा बहुत जब तक ये थोड़ा बदमाशी नहीं कर लेते इसको मज़ा नहीं आता है। लेकिन बेचारा बहुत काम कर रहा है, बहुत से निकल के डिक्की पड़ा और जा डिक्की में था निकल ले राजा। हम लोग रस्सी उसे सब लेके आए दोस्तों, और मज़ेदार चीज़ हम लोग घर से कुछ बना के भी लाए हैं। अब वो जा रही है डिक्की में, हम लोगों ने वो रखा है रस्सी बांधने के लिए झाड़ू, तो अम्बिका लेके आएगी। चाबी लोगे, चाबी बहुत धूल भी है दोस्तों, इसको जमा करना पड़ता, जमा करके पूरा मुट्ठी। और देखिए इधर पूरा झाड़ू ही झाड़ू, पूरा झाड़ू भरती है दोस्तों। ये रास्ते पर लगता है और इसी सीज़न में ये झाड़ू लगता है, अब थोड़े दिन में ऊपर सूख जाएगा, मर के पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये इतना झाड़ू हो गया हमारा दोस्तों। मैं कई दिनों से सोच रही थी आने का, टाइम ही नहीं हो रहा था। किस सीजन पे अभी ये झाड़ू ग्रीन मिल गया दोस्तों, थोड़े दिन में ऊपर सूख जाएगा, तो उसके बाद वो काटने का कुछ मज़ा ही नहीं आता है। तो आज प्री प्लान में बना है, पहले थोड़ा ज़्यादा जमा करना होगा सूख के, क्योंकि ये कम हो जाएगा। और ये झाड़ू मारने में बहुत हल्का, बहुत सॉफ्ट होता है दोस्तों। ये जंगली झाड़ू है, इसे हम लोग घर तो नहीं लगा सकते, आंगन अपने घर के बाहर पे झाड़ू जो कि पत्ता होता गिरता वो सबके लिए। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. मैं भी काट के दिखाऊंगी दोस्तों, और कैमरामैन भी कुछ बोल दीजिए। कैमरामैन का आज हालत खराब है दोस्तों, पूरा सर्दी लगा हुआ है उसे। तो मिलिए दोस्तों कैमरामैन से, आज कैमरामैन का पूरा हालत खराब है। क्या हुआ इतना बोल दो। बोल भी नहीं सकती, पूरा सर्दी हो गया, छद्दी छद्दी हो गया है, चड्डी नहीं सर्दी। तो उठा लो कैमरामैन, कैमरामैन भी आइए बेचारा। ऐसे में भी नहीं छोटे काम लगा गाइस। और देखिए मैंने वो वहाँ पे भी जमा किया थोड़ा बहुत। ये अभी हम लोग जो बटोर लेते हैं ना दोस्तों, ये पूरा कम से कम एक सीजन तो पूरा चला जाता है ये झाड़ू। दोस्तों पीछे कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा, पूरा जंगल है दोस्तों। अभी यहाँ पे बस मैं, आयान और अंबिका ही है, पूरा सुनसान, जहाँ कोई आता जाता ना हो दोस्तों, वैसे जगह पे अभी हम लोग हैं। जब मैं सब कुछ आप लोगों के भी शेयर करती हूँ दोस्तों, तो ये जंगल पर मैं क्या करने आई हूँ आज झाड़ू काटने, वो भी मैं दिखाऊँ मैंने सोचा, है कि नहीं, है कि नहीं, हाय हाय। ये अंदर एक कम पत्ता जो कि जंगल पे होता है, मैंने कहा था मेरे पापा छोटे जब हम लोग थे तब लेके आए थे, पूरा जंगल ही एक कम पत्ता का है। देखिए दोस्तों मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सब वो भाई कर रहा है। वो देखिए पीछे पे आया है खराब, पूरा काम कर रहा है। और देखिए मेरा काम है बस उसे जमा करना और रख देना यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जमा कर लिया हम लोगों ने दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मिला है रस्सी, थोड़ा जोर से बोलो भाई। तो सर्दी ऊपर से रुको रुको थोड़ा टाइम लगेगा,
बेचारा छी इसका रुमाल। क्या चड्डी को नाम है? देखिए रस्सी ऐसे भी चलते पहले। काम आ चला। देखिए यहाँ पे हमारा कितना मोटा हम लोगों ने। पहले इसे दोस्तों अच्छे से सुखाना होगा, उसके बाद ही ये झाड़ू का आकार ले पाएगा। पहले इसे पूरा अच्छे से कई दिनों तक धूप में सुखाना पड़ता है। करके उसे पूरा झापना होगा, यानी कि पूरा टाइट करके। आयन काट काट के बहुत थक गया है, तो अभी मैं भी काट लेती हूँ। आइए, वो देखिए बेचारा छाया में रुक रहा है, आ जाइए। यही काटना, ये काट लेती हूँ मैं। Was it the voice? Was it the fire burning in me? मैंने काट लिया है, ये मेरा पहला आपने भी कुछ बोल दिया। Was it the voice? Was it the fire? तल्लो बड़ा कट, तल्लो। बहुत धार है दोस्तों, ये पापा का, इसे दाव बोलते हैं, दाव। ये मेरे पापा का है, कहीं पत्थर मेला को टूट नहीं है पापा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हाथों पे दाव हुई और धूप भी पूरा सर पे आ गया। देखिए इतना झाड़ू मैंने काट लिया है और मैं थोड़ा थक भी गई। तो देखिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रस्ते रस्ते में हम लोगों ने जमा किया है, तो अभी इसे हम लोग मुठ्ठा करके बांधेंगे। रस्सी भी हम लोग लेके आएंगे। चलिए दाव, मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कामी परिवार ऑफिशियल। दोस्तों आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नटखट सा चुलबुला सा हमारा वीडियो देखने के लिए वहाँ पे आप लोग मुझे प्लीज़ फॉलो करें। देखिए इतना देर हो गया है, बेचारा मेरा भाई आया, कितना भर भर के काटा है उसने, ऊपर बैठ गया अलादीन का चिराग जैसा। तो देखिए हम लोगों ने कैसे बांध लिया, झाड़ू लेके जा रहे हैं। आइए। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into... देखिए यहाँ पे हमारा टिफिन है, इसके अंदर कुछ स्पेशल सा कुछ है। Was it the voice? Was it the fire? देखिए कितना मुठा हो गया जी दोस्तों। अब इस मुठा को पूरा दो चार, कम से कम एक दो हफ्ता पूरा सुखाना होगा। ये ग्रीन पत्ता पूरा सूख जाएगा और उसके बाद वो झाड़ू बनने का काम आएगा। कैसे बनता है वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मुझे स्कूटी को सपोर्ट देना पड़ रहा है। Was it the voice? Was it the fire burning in me? आई हम धीरे धीरे जा रहे हैं, हम नीचे तक जाएंगे। आइए देखिए दोस्तों, सोना जंगल और इसके अंदर कुछ स्पेशल सा हमारा है। देखिए मुझे पता था हम लोग जंगल जाने वाले, तो कुछ बिना खड़ंग खड़ंग आवाज़ हमेशा कुछ खरीद के आते दुकान से, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हम लोग। आज दोस्तों ये मम्मी ने कहा है कि लेके जाओ, मम्मी इतना मैं डांटती, बोलती हूँ तुम लोग जब भी जाते हो बाहर का जंक फूड तला हुआ भुना हुआ खाते हो। तो मम्मी, हमने कहा ठीक है मम्मी, आज आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन बनाया हमने जंक फूड ही है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ रील्स बनाएंगे। जगह देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो हमने सोचा इतना अच्छा जगह को क्यों छोड़ना। यहाँ पे एक दो रील्स बनेगा जो कि आप लोगों को दिखने मिलेगा मेरा कामी परिवार ऑफिशियल में। आइए तो दोस्तों अभी देखिए वो पीछे में उन लोग दोनों रील्स बना रहे दोस्तों, और मुझे ऑर्डर दे दिया है गाड़ी के डिक्की के अंदर पे पानी बॉटल ले लेके आओ। निकाल लिया बॉटल, लॉक हो गया डिक्की। और देखिए कैसे हम लोगों ने झाड़ू ऐसे रखा हुआ है, हमारा देसी जुगाड़ यानी कि नेपाली जुगाड़ बना के। देखिए ये है, देखिए वाटर बॉटल मैंने निकाल लिया है और उन लोग वहाँ पे रील्स बना रहे हैं। अभी मैं जाऊँगी शायद भाई को रील्स बना बना के प्यास लग गया होगा लग। तो देखिए तुम्हारे पास पानी आ रहा है, ये वैसे मेरा ही वाटर बॉटल है, अब मैं दिखाऊँगी उसे। घर से हम लोग कुछ बना के भी लाए दोस्तों, बॉटल रखते हैं। All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone.
तो आयान को अचानक रील बनाते बनाते देखिए रास्ते पे क्या मिल गया है, गाय का गोबर, जो कि वो घर पे उसने कुछ पौधा लगा रखा है जिस पे उसे डालने के लिए चाहिए खाद। तो हमने कहा इतना थोड़ा सा क्या होगा, लेकिन फिर देखिए वो जिससे हम लोगों ने टोपरा बनाया था उसका तो यहाँ पे पूरा जंगल है, पूरा भरमा रहे हो। देखिए वो खाद के लिए दोस्तों गाय का गोबर जो रास्ते पे उसे मिल गया था उसे लेके जाने वाला, देखिए क्या क्या करता है। हम लोग शहर के नहीं है, हम लोग गाँव के, सच में गाँव के है तो हम लोग को ऐसा चलता है, कुछ नहीं है, गौ माता है ना, आदमी लोग भी तो गोबर करता है, तो आदमी का गोबर तो शर्मने लगता है। हे भगवान, तो काम में आएगा, काम में आएगा दोस्तों, काम में आएगा, काम में आएगा, दाव भी डालते हैं पे। हमारे भारतवासी के लिए गाय कितना महत्व है दोस्तों, देखिए कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होता, हर चीज गाय का है ना, इससे गाय को इज्जत देना चाहिए। ये साल का पत्ता में से रास्ते पे दिख गया था गाय का गोबर उसने डाल दिया अंदर, जिस पे हम लोग दाव भी रख रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, बैठना होगा, देखिए पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है दूर दूर। चलिए अभी इस रास्ते से होंगे जाएंगे हम लोग उतार को रास्ते। अभी हम लोग दूसरे रास्ते जाएंगे, वहाँ जाके कुछ थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे, एक दो रील्स भी हम लोगों ने बना दिया। ठीक है अभी हम लोग स्कूटी पे बैठ जाते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग जस्ट पहुँचे वो सुंदर वाली जगह पे दोस्तों, हम लोगों ने अभी झाड़ू तो काट लिया है, तो अभी देखिए ये टिफिन हम लोग लेके आए, यहाँ पर बैठ के खाएंगे। और मेरा बाल देखिए कैसा हो गया है हवा से, और वो पीछे देखिए आयान आ रहा है, यहाँ पे हम भी गए, तो अभी हम लोग जाके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये जगह का नाम है शिवो करोंग, अभी ठंडे के टाइम पे ये जगह थोड़ा सूख जाता है। पानी बोतल ले रहा है, ये ब्रिज के नीचे हम लोग आए हैं, पहले यहाँ पे छठ पूजा भी किया गया था, देखिए साफ पानी। देखिए दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, और एक बार पीछे का नज़ारा देखिए क्या मज़ा आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वह सुंदर वाली जगह पे, हम लोग एक अच्छा सा जगह देखकर हम लोग बैठ गए यहाँ पर दोस्तों। तो पहले मैंने हाथ धोया जो कि आप लोगों ने देखा है, और अभी मैंने जैसे टिफ़िन के लिए निकाला दोस्तों पूरा गर्म था, क्योंकि ये हॉट हॉट केस टाइप का ही है, तो पूरा गर्म था। तीन टिफ़िन में हम लोगों ने मैगी और जो पे मैंने सुबह घर पे ब्रेकफास्ट पे रोटी बनाया था उसे भी रख लिया, क्योंकि हम लोग झटपट में हम लोगों ने खाया ही नहीं ब्रेकफास्ट, तो बहुत झाड़ू वाड़ू काटने के बाद हमें भूख भी लग रहा था, तो मैंने सबको दे दिया। अभी मैं भी बैठ रही हूँ यहाँ पर खाने के लिए, और ख़ासकर दोस्तों बैकग्राउंड इतना सुंदर, साफ सुथरा, सुकून दोस्तों, और यहाँ पर कुछ सिंपल सा भी खाए तो ऐसा भूख लग रहा था दोस्तों। हम लोगों ने मिल के पूरा खाया, तीन लोगों ने पूरा मस्ती किया, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इन्जॉय किया। झाड़ू काटने के बाद जो थकावट के बाद दोस्तों जो खाने के लिए मिलता है वो भी जंगल में, वो तो हम बयां ही नहीं कर सकते दोस्तों। इतना सुकून बा दोस्तों, मत पूछिए इतना सुकून आया दोस्तों, बहुत इन्जॉय किया, और इतना टेस्टी बनाया था अम्बिका ने मैगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, क्योंकि मैं तो रुकी नहीं, तो फटाफट घपा घप खाने में। और यहाँ पर भाई भी बैठा हुआ है, देखिए कैसे ठूँस रहा है, वो भी मुँह पर रोटी और मैगी। Was it the voice? Was it the voice? Yes, I hate this. अभी फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे, देखिए फोटो सेशन कर रहे हैं। अभी देखिए पानी कितना साफ है दोस्तों यहाँ का। अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, टिफिन ले लो, गाड़ी चाबी भी वही था, तो अभी घर जाने के लिए रेडी। चलो चलो सब ले लिया ना, चलो चलो चलते हैं घर की ओर, निकलते हैं। तो हम लोगों ने खा लिया दोस्तों, अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, झाड़ू काटा, हमारा स्कूटी तो बाहर पे ही रखा हुआ है, तो देखिए बैकग्राउंड इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारा रील्स भी बना लिया दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। आज का दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा, अभी घर जाएंगे, अभी बजने वाला है वैसे तीन। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. Finally, हम लोग घर पहुंच गए दोस्तों, और अभी झाड़ू निकाल रहे आयान, मैं दिखा दूं बैक कैमरे से।
तो देखिए अभी अभी इसने स्कूटी से निकाल दिया है। देखिए हम लोगों ने इतना बड़ा इतना मूठा हम लोगों ने काटा है। देखिए अभी पापा इसे इतना जो हम लोग मूठा बंडल लेके आए उसे अब सुखाना होगा, लगभग एक दो हफ्ता सुखाना होगा। देखिए बाप रे बाप उठा भी नहीं पा रहे इतना भारी। ओए मेरा आँख निकाल देगा ये, फिर इतना मोटा भयंकर हो गया है। अभी इसे लगभग पूरा एक दो हफ्ता सुखाना होगा उसे। जब वो पूरा एक दो हफ्ते सूख जाएगा दोस्तों, तो उसे झाड़ू का शेप यानी झाड़ू का आकार पापा देंगे। तो बता दो आज का एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? अच्छा था, लेकिन सब काम मुझे करना पड़ा। ये लोग सिर्फ रील बना रहे थे। नहीं मैंने भी थोड़ा काटा है, आप लोगों ने वीडियो में देखा है दोस्तों, लेकिन बस थोड़ा काटा है मैंने, दिखा दिया कि कैसे काटते हैं। तो दोस्तों आज का तो हम लोगों ने झाड़ू काट के लाए हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झाड़ू बनता कैसे। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।